स्पीड 85 WPM, बी रेडी 5 सेकेंड्स। मैडम स्पीकर, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म द हाउस दैट देयर आर 23 प्रोजेक्ट्स अंडरवे इन द नॉर्थ ईस्ट, ऑफ विच 11 आर नेशनल प्रोजेक्ट्स। आई प्रपोज टू एलोकेट सब्सटेंशियली हायर फंड्स फॉर दीज प्रोजेक्ट्स कंपेयर्ड टू प्रीवियस ईयर्स। इन 2014-15 एन आउटले ऑफ रुपीज 5,116 crore इज ईयर मार्क्ड फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। दिस इज 54% जम्प ओवर एलोकेशंस इन द प्रीवियस ईयर। मैडम स्पीकर, दिस ऑगस्ट हाउस इज ऑलरेडी अवेयर दैट द उधमपुर कटरा रेल लिंक हैज रिसेंटली बीन डेडिकेटेड टू नेशन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फुलफिलिंग द लॉन्ग चेरिश्ड ड्रीम ऑफ मिलियंस ऑफ पिलग्रिम्स अक्रॉस द कंट्री। वी हैव ऑल्सो टाइड अप विद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर ब्रिजिंग उधमपुर बनिहाल पोर्शन बाय बस सो दैट पैसेंजर्स कैन रीच श्रीनगर विद वन सिंगल टिकट फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन। नाउ रेलवेज विल फोकस ऑन द कंप्लीशन ऑफ मिसिंग लिंक ऑफ बनिहाल टू कटरा। देयर आर 29 प्रोजेक्ट्स रनिंग इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रुपीज 20,680 crore। आई इंटेंड टू होल्ड कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स विद द ऑफिशियल्स ऑफ द न्यूली क्रिएटेड स्टेट्स एंड कंसिडर देयर रिक्वायरमेंट्स सो एज टू गिव नेसेसरी इकोनॉमिक बूस्ट। ऑन द इश्यूज कंसर्निंग रेलवेज इन द ट्विन स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना अ कमेटी हैज ऑलरेडी बीन सेट अप ऑफ द रेलवेज एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। फर्दर एक्शन विल बी टेकन आफ्टर रिसीट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी। विद द चैलेंजेस पोस्ड बाय द स्टीडली इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन मेट्रोज एंड इन मिलियन प्लस सिटीज, अ होलिस्टिक अप्रोच टू अर्बन ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड। अ स्मूथ एंड सीमलेस इंटरमोडल एक्सेस इज एसेंशियल टू इम्प्रूव अर्बन मोबिलिटी एंड देयरफॉर अ पैसेंजर सेंट्रिक फोकस विल बी गिवन टू अर्बन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। वी विल कोऑर्डिनेट विद अदर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्रीज एंड अर्बन बॉडीज टू डेवलप ऑप्टिमल सिस्टम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रेलवेज विद अदर ट्रांसपोर्ट मोड्स। मैडम स्पीकर, एज यू आर अवेयर, बेंगलुरु विद बसलिंग बिजनेस एक्टिविटी अट्रैक्ट्स लार्ज कमिटर्स फ्रॉम सराउंडिंग रूरल एरियाज एंड टाउन्स नेसेसिटेटिंग बेटर कनेक्टिविटी ऑफ बेंगलुरु सिटी विद इट्स सबर्बन एरियाज एंड हिंटरलैंड। स्टडी टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ एनहेंसिंग द एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे नेटवर्क ऑफ बेंगलुरु फॉर मीटिंग द अबव नीड विल बी टेकन अप। इन एडिशन टू कैटर टू द डिमांड ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक इन बेंगलुरु एरिया, बाया पन्नाहल्ली विल बी डेवलप्ड एज अ कोचिंग टर्मिनल। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ डिमांड फॉर वैगन्स विल बी लॉन्च्ड इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स। दिस विल फैसिलिटेट ऑनलाइन पेमेंट ऑफ वैगन रजिस्ट्रेशन फी एज वेल एज रजिस्ट्रिंग डिमांड फॉर वैगन्स। फर्दर अ प्रोसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक रेलवे रिसिट
will also be initiated during the year. Indian Railways proposed to introduce corrosion-free wagons with low tear weight for movement of salt. Dedicated freight corridor project implementation of Eastern and Western dedicated freight corridor, a critical infrastructure project, will be closely monitored. The World Bank loan agreement for Kanpur-Mughalsarai section of Eastern Corridor of Dedicated Freight Corridor will be signed in the current year for $1,100 million. During 2014-15, award of nearly 1,000 kilometers of civil construction contracts is targeted. Ever since assuming office, I have received innumerable requests for continuance of experimental stoppages from honorable members of parliament and various public representatives. I understand that large number of stoppages have been provided on experimental basis over a period of time. While I appreciate the wish of everyone wanting a stoppage clause to their place of work or residence, there is a cost to the system for each stoppage. Also, too many stoppages result in slowing down of trains and increase the travel time, particularly for long distance passengers. If this trend continues, most of our express trains will become passenger trains. I would like to inform the House that I have allowed continuation of these experimental stoppages for a further period of 3 months, that is up to 30th of September 2014. These stoppages will be reviewed solely on the basis of operational feasibility and commercial justification. Demand for new stoppages hereafter will also be considered on the same criteria. We will try to provide alternate train connectivity to meet genuine demands of the public. Besides expansion and capacity augmentation projects, assessment of future needs and requirements in the form of providing connectivity to hitherto unconnected regions, requirements of movement of goods from new production consumption center needs to be assessed on a continuous basis. I have also been receiving requests for projects from the honorable members, state governments, and other public representatives.